वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे गोवा और महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी और तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले दिल्ली से इस वक्त महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, वो आपको बता दें। भारत ब्रिटेन के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई है। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इस बैठक में शामिल रहे। रक्षा डील समेत कई और अहम समझौतों पर मुहर लगाई गई है और बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा ऐतिहासिक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ब्रिटेन के पीएम संग यूक्रेन संकट पर बातचीत हुई है और साल के अंत तक एफटीए के समापन का फैसला भी ले लिया जाएगा। आज हमारी शानदार बातचीत हुई है, हमने अपने रिश्ते को हर तरह से मजबूत किया और इस रिश्ते से दोनों देशों के संबंधों को गहरा किया है। तो इस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को गहरा किया। ये तमाम जो बातें कही गई वो साझा डायलॉग में कही गई, साझा बयान में कही गई। पीएम मोदी ने अपनी बातें कही और इनके अलावा बोरिस जॉनसन ने भी ये तमाम बातें कही हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा से दोनों देशों को और मजबूती मिलेगी, दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आएगी। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होगा ब्रिटेन। दो दिवसीय भारत के दौरे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत अहमदाबाद में की थी, जहां वो साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी का चरखा चलाते भी नजर आए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दो दिवसीय भारत के दौरे पर हैं और बोरिस जॉनसन ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर को लेकर वार्ता हुई और इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच कई और अहम समझौतों पर भी मुहर लगाई गई। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने इस मुलाकात के बाद पत्रकारों को संबोधित भी किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने यह कहा कि मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत में स्वागत करता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने यह भी अपने बयान में आगे कहा कि पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में हमने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया और आज हमने इस रोड मैप को भी रिव्यू किया और आगे के लिए लक्ष्य टारगेट तय किए हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, एक साझा बयान में उन्होंने ये सारी बातें कही, जहां बोरिस जॉनसन ने भी कही कि ये जो यात्रा है उससे दोनों देशों के बीच यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो रिश्ते चले आ रहे हैं उनको और मजबूती मिलेगी और वो रिश्ते जो हैं वो कई मायनों में और खास हो जाएंगे और गहरे हो जाएंगे। और चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं महाराष्ट्र और गोवा की तमाम खबरों की। महाराष्ट्र से अगली खबर आपको बताएं, जहां के पिंपरी चिंचवड़ शहर के नए पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे ने आज अपना आयुक्त पद का पदभार संभाला। अब तक रहे पुलिस कमिश्नर कृष्णा प्रकाश के विदेश में होने की वजह से शिंदे को पदभार अपर आयुक्त डॉक्टर संजय शिंदे ने विधिवत सौंपा। नए पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया और इस खास मौके पर आयुक्तालय के कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आपको यह भी बताते चले कि कल शाम कृष्ण प्रकाश का तबादला मुंबई में पद पर की गई और अब तक इस पद को संभाल रहे अंकुश शिंदे को पिंपरी चिंचवड़ शहर का पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्त किया गया था और नए कमिश्नर ने आज बिना विलंब के बिना देरी के अपना पदभार ग्रहण करके कामकाज की शुरुआत कर दी है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे इससे पहले गढ़चिरौली सोलापुर और मुंबई में आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। अंकुश शिंदे ने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली है और सोलापुर में कई नगर सेवकों पर कार्रवाई करके राज्यभर में चर्चित रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकुंद कदम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकुंद, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ शहर के नए पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे ने आज अपना आयुक्त पद संभाल लिया है और आज से अपने कामकाज की शुरुआत भी कर दी है। जी मनीषा जी, कल ही उन्होंने सीधा आके पदभार संभाला है।
कृष्ण प्रकाश जी जो पुराने आयुक्त जो थे वो कुछ काम निजी काम से घूमने हुए फॉरेन गए हुए, उनकी राह न देखते हुए उन्होंने कल आके डायरेक्टली अपना पदभार संभाला। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कृष्ण प्रकाश जी नाराज है शायद, क्योंकि उनके आने के पहले इन्होंने पदभार संभाला है, क्योंकि आने वाले नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसके चलते गृह मंत्रालय ने ये सारी बदलाव किए हुए हैं, उसके जरिए कृष्ण प्रकाश जी का ये तबादला हुआ, ऐसा लोगों में और सभी जगहों से बोलना शुरू है। निश्चित तौर पर पुलिस की जो कार्य प्रणाली है और पुलिस कार्यभार संभालने के बाद और कमिश्नर अंकुश शिंदे जब शामिल हो चुके हैं और उन्होंने पदभार संभाल लिया है, निश्चित तौर पर अब पुलिस को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनका अनुभव भी काफी रहा है मुकुंद। हाँ, उनका अनुभव तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने नक्सली एरिया में भी बहुत सारा अच्छा काम किया हुआ है। जैसे जिस जगह पे भी जाते हैं वहाँ पे उनका एक अलग से ही होता है, अलग से ही रुतबा होता है, उनका अलग ही डर पैदा हो जाता है। जिस तरह पिंपरी चिंचोड़ में पिछले एक सात दिनों में 3 या 4 मर्डर के केसेस हो रहे हैं, पिछले कई महीनों से डकैती सिनमारी और ऐसे कई सारे गुने घट चुके हैं, तो इसके वजह से इसको थोड़ा कम करने के लिए या इसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये शायद गृह मंत्रालय का अलग से ये नजरिया रहेगा कि इस तरह का आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किया जाए, इसलिए उनका तबादला हुआ है। बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए मुकुंद। वहीं नासिक में भी नए पुलिस कमिश्नर जयंत नाइकनवरी ने नासिक पुलिस कमिश्नर पद का पदभार संभाला है और इसी दौरान पुलिस कर्मियों के साथ नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल ने नए कमिश्नर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको ये भी बताते चले कि पिछले पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे की कार्यकाल में नासिक में चलाए गए हेलमेट मुहिम समेत फैसले खूब तारीफ काबिल रहे हैं, लोगों ने काफी सराहना की है और इस दौरान नए पुलिस कमिश्नर जयंत नाइकनवरे ने ये कहा कि नासिक में जो फैसले पहले लिए गए हैं उनकी समीक्षा कर आगे भी ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे, साथ ही साथ आवश्यकता के अनुसार कुछ नए फैसलों को भी लिया जा सकता है। रवि पाटिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे। रवि, नासिक में भी पुलिस कमिश्नर जयंत नाइकनवरे ने अपना पदभार संभाल लिया है, किस तरीके से समझा जाए, कितनी मजबूती यहाँ पर पुलिस कार्यप्रणाली को अब मिलेगी? कल जयंत नाइकनवरे जी ने पुलिस कमिश्नर पद का पदभार ग्रहण किया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर जो रहे थे दीपक पांडे, उनके द्वारा नासिक शहर में चलाए गए कई ऐसे अभियान थे जिसमें हेलमेट मुहिम हो चाहे गुनेगारों को एक इंसान होने का मौका देकर उन्हें शांति बनाए रखते हुए जीने का मौका देने का चाहिए उनकी योजना हो, या मकोका के तहत 100 से अधिक लोगों को जेल में बंद करने जैसे निर्णय हो, काफी निर्णय उनके सराहनीय रहे हैं। साथ ही में जिस तरह से नासिक में नव वर्ष के स्वागत के पर्व पर जिस तरह से उन्होंने एक्ट 144 लागू किया था, थोड़ा तनाव नासिक शहर में जरूर बना था, लेकिन कानून और व्यवस्था के लिए दीपक पांडे ने जो जो फैसले लिए थे वो काफी उसकी सराहना की गई है नासिक की जनता की ओर से। और अब उम्मीद की जा रही है कि जो नए पुलिस कमिश्नर आए हैं जयंत नाइकनवरे वो भी इसी तरह से फैसले आगे लेंगे। जो पिछले पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे थे, क्या उनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका था या फिर कुछ और कारण रहा? उसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं, एक तो नासिक की जनता और कुछ खास जो लोग हैं जो कि उनके कुछ फैसलों से नाराज थे, जिस तरह से उन्होंने नववर्ष के कार्यक्रम को रोका था, लोगों को इकट्ठा होने को मनाई की थी और जिस तरह से उनका पूरा कार्यकाल था उसमें उन्होंने कानून जो है वो अंतिम है यह मानकर जो जो फैसले लिए उसकी व्यवस्था पर जरूर कुछ ना कुछ असर हुए थे। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि उनके कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने स्वयं ही अपने तबादले की मांग गृह विभाग को की थी। ठीक रवि, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और वहीं महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में आज प्राइवेट बस की तरफ से आज बंद का ऐलान किया गया और आपको ये भी बताते चले कि कोविड काल से अब तक ठेकेदारों को दिए गए ठेके से बस की सेवा शुरू है लेकिन इनके पैसे का भुगतान अब तक नहीं हो सका है, जिसे लेकर आज बंद का ऐलान किया गया है। वहीं इस बंद से आम लोगों को, आम नागरिकों को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि पुणे में बढ़ती धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और बस सेवा बंद हो
जाने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। तो भुगतान ना होने पर दरअसल ये बंद का ऐलान किया गया है। आम नागरिकों को हालांकि काफी परेशानियों का दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। मुकुंद कदम हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उस खबर से जुड़ी हमें वो देंगे। मुकुंद, महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में आज प्राइवेट बसों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी मनीषा जी, जैसे इनका इन्होंने कल कुछ बोला नहीं या किसी प्रसार माध्यम से बताया नहीं गया था कि आज बस बंद रखी जाएगी, तो सारे लोग जिस दिनचर्या जैसे रहते हैं उसी तरह सब लोग बाहर निकल रहे थे। पर अचानक से आज पता चला कि आज बस बंद है, तो लोगों में बहुत ही दुविधाएं होने लगी, क्योंकि एक तो पुणे के अंदर धूप बढ़ रही है, गर्मी 40 डिग्री क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में लोगों का जब यहाँ से वहां जाने के लिए जब बस का इन लोग सहारा लेते हैं, तो उसी बस का आज उन्होंने बंद करने के वजह से बहुत सारी तकलीफें आ रही है। लोगों को रोड के ऊपर रुकना पड़ रहा है, छाव देखने के लिए कई झाड़ों के नीचे रुकना पड़ रहा है, उस साथ ही ऑटो नहीं जल्दी मिलती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है लोगों में। लेकिन मुकुंद, प्राइवेट बसों की तरफ से चूंकि बंद का ऐलान किया गया है, लोगों को भी आप बता रहे हैं कि खासा परेशानियों की दिक्कत हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भारी गर्मी है और धूप है जिसके कारण लोग परेशान हैं, लेकिन आखिरकार इन बस चालकों की मांग क्या है, किन मांगों पर भी अड़े हुए हैं जो कि बंद का ऐलान किया गया है? देखिए मनीषा जी, कई दिन ये जो एक ठेके के स्वरूप में दिया गया हुआ सब प्राइवेट बसेस है, तो इनका जो ठेका है उनका जो पैसा महानगर पालिका या महामंडल से आता है वो पिछले कई सालों से नहीं आ रहा है। उसके वजह से इन लोग का ड्राइवर का या मेंटेनेंस का हो या किसी तरीके का पेमेंट हो वो सब सारा रुका हुआ है, तो ठेकेदारों को उसकी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ऊपर से सब सारी चीजें बंद है, साथ में अभी इलेक्शन के माहौल में ये सारा वातावरण ठंड होने के वजह से पैसे आना भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके वजह से इन लोग थोड़ा सा प्रेशराइज हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने अचानक से ये बंद का मार्ग ये किया हुआ। लेकिन क्या सरकार तक, प्रशासन तक या बीएमसी की अगर हम बात करें तो क्या वहां तक इनकी मांगे पहुंची हैं, और अगर पहुंची है तो क्या कुछ कहा गया है बीएमसी सरकार या फिर प्रशासन की तरफ से अभी तक? उनकी तरफ तो पहुंची है, पर उनके ओर से अभी तक कुछ डायरेक्टली कुछ कहा नहीं गया है, ना कोई सामने आके बता रहा है कि इनकी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी, यहाँ तक अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक मुकुंद, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के नासिक में मोबाइल पर ऑनलाइन जुआ खेलकर पैसा कमाने का झांसा देकर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आरोपी नासिक का रोलेट किंग माना जाने वाला एक कैलाश शाह बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नासिक ग्रामीण पुलिस ने उसके साथ प्रीतम गोसावी को गिरफ्तार कर ऑनलाइन जुआ बंद करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। आपको ये भी जानकारी दे दें और बता दें कि इन जुआ माफियाओं ने शहर के रामा रसाल नाम के शख्स को ऑनलाइन जुए के चक्कर में 45 लाख का चूना लगाया था, और इस धोखाधड़ी के पूरे मामले में कार्रवाई कर नासिक ग्रामीण पुलिस भविष्य में ऐसी घटनाओं को और ऐसे मामलों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर सभी को सावधानी की हिदायत देती नजर आ रही है। और वहीं मुंबई उपनगर की मालवाणी पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार करके उसके पास से 5 प्लास्टिक की थैली में 750 ग्राम MD बरामद की है, और इसकी कीमत करीब 1,12,50,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। बताते चले कि मालवाणी पुलिस को ये
जानकारी प्राप्त हुई थी कि मालवणी महाड़ा मैदान के पास एक नाइजीरियन ड्रग्स बेचने के लिए आ रहा है और खबर मिलते ही जानकारी मिलते ही मालवणी पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 5 प्लास्टिक की थैली बरामद हुई जिसमें 750 ग्राम MT बरामद हुआ है और पुलिस के अनुसार ये व्यक्ति दरअसल मालवणी और आसपास के छोटे मोटे ड्रग्स बेचने वालों को ड्रग्स सप्लाई करने का काम कर रहा था और मामले में पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आयुक्त संजय पांडे के आदेश पर मुंबई को नशे से मुक्त कराना है और जिसको लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। माननीय पुलिस कमिश्नर सर ने पूरे मुंबई में जो एंटी ड्रग्स कैंपेन अभी चालू किया हुआ है उसमें ड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स लेने, इसका सेवन करने वाले सभी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना अभी चालू है। उसमें मालवणी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक हमें इनपुट मिला इंटेलिजेंस थ्रू कि ऐसे ऐसे एक फॉरेन नेशनल है कि वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बेचने के लिए आने वाला है और उसका यहाँ पर बहुत जगह पे उसने इसके पहले भी ड्रग्स सेल किया हुआ है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री भाले राव, हमारे स्टेशन ऑफिसर मुलानी, ACP दीवार साहब और उनकी टीम ने वो फॉरेन नेशनल को यहाँ से माड़ा मैदान उस एरिया से उसको कस्टडी में लिया हुआ है। हमारे संवाददाता राजन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें इससे जुड़ी देंगे। राजन, एक नाइजीरियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है मालवणी पुलिस के हाथ, ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, अभी तक क्या कुछ साफ हो पाया है, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर यह मालवणी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आपको बता दूं कि मालवणी पुलिस को जब ये खबर मिली कि मालवणी महाड़ा मैदान के पास एक नाइजीरियन ड्रग्स बेचने के लिए आ रहा है तो खबर मिलते ही मालवणी पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो आपको जानकर हैरानी होगा कि उसके पास करीबन 5 से 6 प्लास्टिक की थैली बरामद हुई जिसमें 750 ग्राम MD भी बरामद हुआ जिसकी कीमत की अगर बात करें तो कुल कीमत 1 करोड़ के आसपास ये कीमत बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी हुई है मालवणी पुलिस। क्या और लोगों के नाम भी सामने आए हैं? बिल्कुल देखिए, जो पुलिस जो अधिकारी हैं, जो DGP विशाल ठाकुर, उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जब ये सवाल पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हम जांच कर रहे हैं, अगर इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होगी तो हम बाकायदा गिरफ्तार करेंगे और ये पता लगा रहे हैं कि बाकायदा ये जो नाइजीरियन की इसके टीम में और कितने लोग शामिल हैं, ये ड्रग्स कहाँ से लाया गया था और ये ड्रग्स कहाँ सप्लाई करना था। तो तमाम तरीके के सवाल को लेकर मालवणी पुलिस अभी पूरी तरीके से जाँच कर रही है। ठीक राजन, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो पुलिस आयुक्त के निर्देश पर दरअसल ये कार्रवाई हुई है और ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी बात ये कि एक नाइजीरियन जो कि गिरफ्तार किया गया है उसके पास से 1 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत का जो ड्रग्स है वो बरामद किए गए हैं। वहीं पिंपरी चिंचवड़ शहर के चिखली परिसर के हरगुड़े बस्ती में 3 दिन पहले एक 8 साल के बच्चे की हत्या के मामले में आज अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर संजय शिंदे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पहले बच्चे का अपहरण किया और फिरौती की रकम उगाही का इरादा था लेकिन असफल होने के बाद पत्थर मारकर बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। फिलहाल गुंडा विरोधी पथक की टीम ने आरोपी को धर दबोचा है और पत्रकारों को जानकारी देते हुए पिंपरी चिंचवड़ शहर के अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर संजय शिंदे ने ये बताया कि 16 अप्रैल को हरगुड़े बस्ती में रहने वाले बाबूराम डुंगराम देवासी का बेटा लक्ष्मण दोपहर करीब 12:30 बजे घर से लापता था और घर वालों ने गुमशुदा और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस बच्चे की तलाश शुरू करने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू की और इस पूरे मामले में चिखली पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया था जिनमें गुंडा विरोधी पथक की टीम आरोपी बपिल अहमद रईस गिरफ्तार करने में कामयाब रही। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकारा है और आरोपी ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि वह एक CNG मशीन का ऑपरेटर है, वीज़ा पासपोर्ट के लिए उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी और वहीं पीड़ित परिवार पिछले 3 सालों से उसके पड़ोसी थे। चिखली
यहाँ से बेपत्ता हो गया था ऑन 16th of March 2022. बेस्ड अपॉन दिस ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग वॉज रजिस्टर्ड. लेटर ऑन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द बॉडी ऑफ द किडनैप्ड बॉय वॉज फाउंड इन नियर बाय अनअटेंडेड शेड. During investigation, it was transpired that a person who was residing nearby, his name is Bapil Ahmed Lashkar. He had kidnapped this boy with the intention of ransom. और वही महाराष्ट्र के पुणे में घरेलू विवाद के चलते दामाद ने अपने ससुर का खून कर दिया. वही इस पूरी वारदात के बाद आरोपी खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूरी वारदात पुलिस को बताई. बताते चले कि इस पूरी हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस उप निरीक्षक अमर कदम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि रमेश रामचंद्र उतरकर की हत्या अशोक गुलाब कुंडले ने की और जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. ये वारदात 20 अप्रैल को खड़की बस स्टॉप के पास एक कपड़े की दुकान में घटी. अपने ससुर की चाकू से बोककर हत्या की है. उसमें उनका उसके बीबी का और उसका आपस में बन नहीं रहा था, इसलिए उनके फैमिली कोर्ट में एक केस दर्ज था. कल उनका फैमिली कोर्ट में केस तारीख था, वो तारीख के लिए वो गए थे. तो जो जजवई है उसका ऐसा कहना था कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन उसके ससुर के वजह से वो पत्नी उसके घर पे रहने के लिए नहीं आती. वो गुस्सा उसके दिल में था और उस कल उसने शाम को चाकू से वार करके अपने पति ससुर की हत्या की है. उसके मामले में हमारे यहाँ पे 302 का गुना दाखिल है और वो जो आरोपी अभी हमारे पुलिस कस्टडी में है उसको हमने अरेस्ट किया है. और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ. जय हिंद.